सो हे गाइस, आने वाले कुछ मंथ में काफ़ी सारी बाइक लॉन्च होने वाली है इंडियन मार्केट में, जिसमें अगर हम बात करें 125 cc कैटेगरी में तो आपको 2 से 3 नई बाइक देखने को मिलेगी, जिसमें सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ हस्क्वर्ना की बाइक के बारे में, जो होने वाली है 125 cc कैटेगरी की स्वॉट प्लेन और विट प्लेन। आप सभी को पता है इंडियन मार्केट में हस्क्वर्ना की बाइक की टेस्ट राइडिंग चल रही है, जिसमें 401 cc की बाइक को टेस्ट राइड करा जा रहा है, और ये जो 125 cc कैटेगरी है इस बाइक की भी टेस्ट राइडिंग जल्दी स्टार्ट होगी। बाइक में आपको 124.7 cc का लिक्विड कूल्ड USC इंजन मिलता है, बाइक में 14.5 ब्रेक हॉर्स पावर है और 12 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको मिलेगा बाइक में। फीचर्स में बाइक में सिंगल चैनल ABS है, 6 फीट गियरबॉक्स है, राउंड शेप का आपको LCD स्क्रीन डिस्प्ले मिलेगा जिसमें आपको सारे फंक्शन शो हो जाएंगे। सस्पेंशन में फ्रंट में अपसाइड डाउन फोक, रियर पार्ट में 10 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक अब्सॉर्बर, और टायर साइज में बाइक के फ्रंट पर का टायर होगा 110x70mm का और बाइक के रियर पर का टायर होगा 150x60mm का। तो टायर आपको बाइक में सभी सेगमेंट में आने वाली बाइक से ज्यादा वाइड मिलने वाले हैं, जिसका मतलब रोड पे बाइक की ग्रिप ज्यादा अच्छी होगी, आपको कंट्रोलिंग ज्यादा अच्छी मिलेगी। बाकी ऑल LED लाइट्स का सेटअप है बाइक में, 146 kg का कर्व वेट है, बाइक काफी लाइट वेट होने वाली है, काफी निम्बल होगी सिटी राइडिंग के लिए। 145 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है और इस बाइक की सीट हाइट है 835 mm की, जो थोड़ी बहुत दिक्कत देगी शॉर्ट राइडर को बाइक को ऑपरेट करने में। 9.5 लीटर्स की बाइक में फ्यूल टैंक कैपेसिटी होगी और ये बाइक आपको 45 से 50 km का माइलेज देगी सिटी राइडिंग में और हाईवे राइडिंग पर। तो फाइनली बात करते हैं बाइक के लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में। ये बाइक आपको 2024 के मिड से एंड तक लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगी इंडियन मार्केट में, और लॉन्च होने पर इस बाइक का प्राइस आ जाएगा 140,000 से 170,000 के एक्चुअल प्राइस पर। तो हस्क्वर्ना 125 एक ऐसी बाइक है जिसमें आपको सभी प्रीमियम पार्ट मिलेंगे KTM की तरह। बाइक की बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी होगी, राइड क्वालिटी काफी अच्छी होगी, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाइक के दो वर्जन लॉन्च होंगे, एक विट प्लेन एक स्पॉट प्लेन। विट प्लेन आपकी होगी कैफे रेसर कैटेगरी में और स्पॉट प्लेन आएगी आपकी स्क्रैम्बलर कैटेगरी में। जो इंडियन मार्केट में पहली बार कोई ऐसी बाइक आएगी जो 125 cc कैटेगरी में कैफे रेसर है, तो 2024 के लिए आप इस बाइक के लॉन्च होने का वेट कर सकते हो। बाइक काफी ज्यादा यूनिक होने वाली है, काफी आई कैचिंग इसका डिजाइन है और आपको इस बाइक में एक अच्छा सा राइड एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। सो अगली जो 125 cc कैटेगरी बाइक है वो आपको कम्यूटर सेगमेंट में देखने को मिलेगी, और ये बाइक आने वाली है TVS की तरफ से, जिसका नाम होगा TVS PRO 125। बाइक का ट्रेडमार्क इंडियन मार्केट में फाइल हो चुका है काफी टाइम से, काफी लोग इस बाइक के लॉन्च होने का वेट कर रहे हैं। तो ये जो बाइक होगी ना, इस बाइक में आपको सेम TVS राइडर 125 वाला इंजन मिलेगा, जो है 124.8 cc का एयर ऑयल कूल इंजन। बाइक में मैक्सिमम पावर होगी 11 bhp की और टॉर्क होगा 12 न्यूटन मीटर का। फीचर्स में आपको इसमें 5 स्पीड गियरबॉक्स मिलेंगे, मोबाइल फोन कनेक्टिविटी होगी बाइक में, और आपको इसमें एक बेसिक सा LCD स्क्रीन डिस्प्ले मिलेगा। TVS राइडर 125 की तरह आपको इसमें TFT वगैरह नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये थोड़ी सी लो बजट बाइक होने वाली है, जो लॉन्च होने पर सीधा कॉम्पिटिशन देगी होंडा SP125 को और बाकी अदर सेगमेंट की कम्यूटर बाइक्स को। सस्पेंशन में बाइक में फ्रंट पार्ट में टेलीस्कोपिक फोक होगा, रियर पार्ट में डुअल शॉक अब्सॉर्बर आपको मिलेंगे। लाइट्स में आपको फ्रंट और रियर पार्ट में LED मिलेगी, लेकिन इसके साइड इंडिकेटर में हैलोजन बल्ब का यूज किया जाएगा। 110 से 120 kg बाइक का कर्व वेट होगा, 10 से 12 लीटर की आपको इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी, और ये बाइक आपको 55 से 60 km का माइलेज देगी सिटी राइडिंग और हाईवे राइडिंग पर। तो लॉन्च डेट में हम इस बाइक को 2024 के मिड तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और लॉन्च होने पर इस बाइक का प्राइस रखा जाएगा 80,000 से 85,000 के एक्चुअल प्राइस पर। तो अगली एक और बाइक है जो आपको 125 cc कैटेगरी में देखने को मिलेगी, और ये बाइक आएगी KTM की तरफ से, जो 2024 वर्जन होने वाला है ड्यूक 125 का। एंड आई नो अभी तक आपने बाइक की सारी डिटेल वगैरह देख ली होगी, बाइक का डिजाइन कैसा है, बाइक में कौन कौन से फीचर्स है, ये बात आप सभी को पता होगी। तो मैं इन सब के बारे में बात नहीं करने वाला, मैं सीधा बात करूंगा बाइक के लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में। तो ये जो नया वर्जन है ड्यूक 125 का, ये आपको 2024 के जुलाई से अगस्त के मंथ में लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगा, और लॉन्च होने पर बाइक का प्राइस आ जाएगा 180,000 से 190,000 के एक्चुअल प्राइस पर। तो फिलहाल में सबने इस बाइक का इंटरनेशनल वर्जन देखा है, जिसमें आपको TFT डिस्प्ले मिल रहे हैं, स्विचेबल ABS मिल रहा है, लेकिन जब ये बाइक इंडियन टू मार्केट में लॉन्च होगी ऐसे फीचर्स आपको इस बाइक में नहीं मिलेंगे कॉस्ट कटिंग की वजह से, और ये चीज ड्यूक 125 में हमेशा से होती आई है इंडियन मार्केट में। तो अगर आप प्लान कर रहे हो ड्यूक 125 के नए वर्जन को परचेज करने का, तो ऐसा मान के चलो इसमें आपको वो फीचर्स नहीं मिलेंगे जो इंटरनेशनल वर्जन में आपको दिखाए जा रहे हैं, और शायद बाइक के डिजाइन में भी थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है जब ये बाइक इंडियन मार्केट में लॉन्च होगी। सो मूविंग ऑन टू अनदर बाइक जो है यामाहा की तरफ से, यामाहा XSR 155। काफी लोग मुझे पूछ रहे हैं क्या ये बाइक 2024 में लॉन्च होने वाली है या नहीं, क्योंकि यामाहा ने काफी सारी बाइक को इंटरनेशनल मार्केट से इंपोर्ट कर लिया इंडियन मार्केट में। तो क्या हम यामाहा XSR 155 को 2024 में एक्सपेक्ट कर सकते हैं या नहीं, तो इसका सिंपल सा आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। यामाहा ने अभी तक इस बाइक को इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च इसलिए नहीं करा है क्योंकि बाइक का प्राइस काफी ज्यादा है, बाइक थोड़ी सी प्रीमियम कैटेगरी में आती है। ये बाइक R15 V4 और MT15 से भी प्रीमियम है प्राइस रेंज के मामले में। तो अगर ये बाइक इंडियन टू व्हीलर मार्केट में कभी भी लॉन्च होती है, तो इस बाइक का प्राइस रखा जाएगा 2 लाख से 2 लाख 30,000 के एक्चुअल प्राइस पर, जो 150 cc कैटेगरी की बाइक के लिए काफी ज्यादा है, और ये सिर्फ एक्सपेक्टेड प्राइस है। इस बाइक का प्राइस और भी ज्यादा हो सकता है क्योंकि यामाहा को इस बाइक को इंपोर्ट करना पड़ेगा, और इंडियन मार्केट का इंपोर्ट टैक्स काफी ज्यादा है किसी भी कंट्री से। तो इसीलिए यामाहा और होंडा जैसी कंपनी अपनी नई बाइकों को इंडियन मार्केट में इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो लॉन्च होने पर उन्हें अपनी बाइक के प्राइस को थोड़ा सा ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, जो बिल्कुल वैलिड नहीं होगा इंडियन टू व्हीलर मार्केट में बाइक को सेल करने के लिए। बट हाँ, अगर बात रही 2024 की, तो आपको यामाहा XSR में भी लॉन्च होते हुए देखने को मिल सकती है,
क्योंकि यामाहा ने अभी काफी सारी बाइक को इम्पोर्ट करा है और अगर ये बाइक इंडियन मार्केट में लॉन्च होने पर यामाहा मोटर इंडिया को प्रॉफिटेबल लगती है तो वो आने वाले टाइम में XSR 155 को लॉन्च कर सकते हैं। बाकी एट द एंड मैं आपको ये कहूंगा कि बाइक की कोई कंफर्मेशन नहीं है, XSR लॉन्च हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। तो अगर आप इस बाइक के लॉन्च होने का वेट कर रहे हो तो इस बाइक को लेकर कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, ये बाइक कब आएगी, कैसे आएगी एंड बाइक के लॉन्च होने पर क्या प्राइस होगा। तो बात करते हैं अगली बाइक के बारे में जिसको रिसेंट में ही स्पोर्ट करा गया है टेस्ट राइडिंग के टाइम पर, और अगेन ये कोलैबोरेशन बाइक है हीरो और हार्ले डेविडसन की। तो ये स्पाइस शॉर्ट्स है जिसमें बाइक का जो डिजाइन है वो सिमिलर लग रहा है X440 से। हालांकि बाइक में सेम करिश्मा XMR 210 के इंजन का यूज किया जाएगा जो 210cc का लिक्विड कूल्ड इंजन है, मैक्सिमम पावर 25 bhp की और टॉर्क आपको 20.4 Nm का मिलेगा बाइक में। और जो बाइक के फीचर्स होंगे उसमें डेफिनेटली आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा, सेम फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे इसमें X440 वाले। स्विचेबल ABS बाइक में नहीं होगा, TFT डिस्प्ले आपको नहीं मिलेगा, बाकी डुअल ABS, LCD स्क्रीन डिस्प्ले और नेविगेशन जैसे फीचर्स आपको इस बाइक में मिल जाएंगे। सस्पेंशन में फ्रंट पार्ट में अपसाइड डाउन फोक, रियर पार्ट में एडजस्टेबल डुअल शॉक अब्सॉर्बर और बाइक के सभी पार्ट्स में LED लाइट्स आपको मिलेगी। डायमेंशन में 150 से 160 kg का इस बाइक का कवर वेट होगा, 170 mm की ग्राउंड क्लीयरेंस मिलेगी और 805 mm की इस बाइक की सीट हाइट होगी। तो मेन मोटिव जो होगा इस बाइक का वो होगा हंटर 350 के साथ कॉम्पेट करना, जो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है बाकी सारी कंपनीज के लिए। बाकी नीचे कमेंट करके आप मुझे बताओ क्या ये बाइक या फिर होंडा ब्रिगेड 350 हंटर 350 की सेल्स को डाउन कर पाएगी या नहीं। तो जल्दी से जाओ नीचे कमेंट करो और इस वीडियो को भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना जो आने वाले टाइम में किसी न्यू बाइक को परचेज करने का प्लान बना रहे हैं। तो नेक्स्ट बाइक जिसकी टेस्ट राइडिंग काफी टाइम से चल रही है इंडियन मार्केट में और काफी सारे लोग इस बाइक के लॉन्च होने का वेट कर रहे हैं, तो बेसिकली ये बाइक है हिमालयन 452 जिसके लेटेस्ट फाइव शॉट्स में हमें पता चला है कि इस बाइक में नेविगेशन सपोर्ट भी है। एक राउंड शेप का TFT डिस्प्ले आपको मिलने वाला है बाइक में जिसमें आपका नेविगेशन सपोर्ट और गियर पोजीशन इंडिकेटर जैसे फीचर्स दिखेंगे। अलॉन्ग विद बाइक के सभी पार्ट्स में LED लाइट्स होंगी। डिजाइन बाइक का थोड़ा सा मैचिंग है हीरो एक्सपल्स से जिसमें रीडिजाइन फ्यूल टैंक, लार्जर इंटरकूलर, न्यू हैंडल, न्यू एग्जॉस्ट एज वेल एज न्यू ग्राफिक्स आपको मिलेंगे। और भी कुछ बड़े चेंजेस आए बाइक में जैसे फ्रंट में USD फॉक्स 12 पर्पस टायर, बाकी बाइक आपको अभी भी स्पोक व्हील्स के साथ ही देखने को मिलेगी। बाकी जो बाइक के इंजन स्पेसिफिकेशन है वो भी ऑफिशियली रिवील नहीं हुए, लेकिन आपको 452cc का लिक्विड कूल इंजन मिलेगा 6-speed गियरबॉक्स के साथ जो अराउंड 40 ब्रेक हॉर्स पावर और 40 Nm का टॉर्क आपको निकाल कर देगा। और जो इसका प्राइस रखा जाएगा वो 280,000 के एक्चुअल प्राइस पर रखा जाए। सो हम अगली बाइक के बारे में बात करते हैं जो आएगी कावासाकी की तरफ से और ये मिड कैपेसिटी की बाइक होने वाली है। बाइक का नाम है कावासाकी एलिमिनेटर 400। इस बाइक को फिलहाल में ही लॉन्च करा गया है इंटरनेशनल मार्केट में और इंडियन मार्केट में भी आपको ये बाइक 2024 के स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगी। तो स्पेसिफिकेशंस में बाइक में 398cc का ट्विन सिलेंडर वाटर कूल इंजन है, मैक्सिमम पावर 48 bhp और 37.2 Nm का टॉर्क है बाइक में। फीचर्स में आपको इसमें 6-speed गियरबॉक्स मिलते हैं, राउंड शेप का TFT डिस्प्ले है बाइक में, डुअल चैनल ABS है, बाकी ऐसे ही और भी फीचर्स आपको इस बाइक में मिलेंगे। ऑल LED लाइट सेटअप है बाइक के सभी पार्ट्स में और डायमेंशन में बाइक का कर्व वेट है 176 kg का, 150 mm की ग्राउंड क्लीयरेंस है और इस बाइक की सीट हाइट है 735 mm की जो बिल्कुल फेवर में रहेगी शोर राइडर के लिए, उनको बाइक को ऑपरेट करने में दिक्कतें नहीं आएंगी। और बाइक में फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 12 लीटर्स की और ये बाइक आपको 25 से 30 km का माइलेज देगी सिटी राइडिंग और हाईवे राइडिंग पर। सो अगर अभी तक आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि ऐसी ही वीडियो सबसे पहले आपके पास आए।